नमस्कार, आईवी टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम निशा ओझा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के एनआईटी घाट पर है और ये एनआईटी घाट का गांधी घाट है जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ। और मेरे पीछे आपको एक जहाज दिख रहा होगा जहाँ लिखा है MV कौटिल्य बिहार, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस जहाज का नाम MV गंगा के तहत रखा गया है और ये बहुत पहले से ही एनआईटी घाट पर खड़ा होता था, लेकिन जो चहल पहल इसको लेकर के देखी जाती थी वो नहीं दिख रही थी कई सालों से, क्योंकि 2017 में ये जहाज़ जो है वो बंद हो चुका था। लेकिन फिर से ये बनकर तैयार है पूरे 5 सालों के बाद, और अब आप इस जहाज़ को देख सकते हैं कि मरम्मत के बाद ये कैसी दिखती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और मरम्मत के बाद क्या और शानदार हुई है या पहले। आपको यहाँ पर ये एक और जानकारी दे दूं कि 2009 में इस जहाज़ को बिहार सरकार ने 2 करोड़ रुपए में ख़रीदा था और फिर ये जहाज़ 2017 में ख़राब हो गया था, इसी तरह से यहाँ पे खड़ा था। लेकिन फिर से कोलकाता से इसकी मरम्मत करवाई गई और ये बनकर एक बार फिर से पटना के गांधी घाट पर आकर के लग चुकी है। अब अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे क्या कुछ फैसिलिटीज़ है अंदर जो आपके लिए बेनिफिशियल और अच्छी हो सकती है। तो चलिए चलते हैं। अब हम एंटर कर चुके हैं MV गंगा के अंदर और फिर हम आपको दिखाएंगे कि लेफ्ट साइड पर जहाँ हम अंदर अभी जा रहे हैं वहाँ रेस्टोरेंट बनाया गया है जहाँ बैठ करके आप खाने का, कॉफ़ी का, चाय का लुफ्त उठा सकते हैं। और देखिए कितनी खूबसूरती से एक जहाज़ के अंदर इसको बनाया गया है पटना में, और ना सिर्फ पटना है बल्कि पूरे बिहार में। आपको ऐसा लगेगा कि प्लॉटिंग रेस्टोरेंट के नाम पर ये सबसे बड़ा रेस्टोरेंट होने वाला है। और जैसे ही ये मरम्मत हो के आया उसके बाद से ही फिर से एक बार पटना के लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि आप इस जहाज को शादी के लिए, रिंग सेरेमनी के लिए या फिर किसी तरह का कोई भी आयोजन हो तो उसके लिए बुक करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे उसकी जानकारी कुछ दिनों में बिहार के पर्यटन विभाग के तरफ से ये बता दिया जाएगा कि क्या कुछ क्राइटेरिया होने वाला है। लेकिन अब तक हम फिल्मों में देखते थे और इमेजिन करते थे कि शादी ब्याह पार्टी जो है वो जहाज पर होगी तो कितना शानदार होगा, और हम देख के बड़े खुश होते थे। लेकिन आपको जानकर डबल खुशी होगी कि अब आप इसको पटना में भी इसका मज़ा ले सकते हैं। अगर आपका शौक है कि आपका जो इंगेजमेंट है या आपकी शादी है या फिर आपका बर्थडे बैश है वो जहाज़ के अंदर हो और पार्टी आप यहाँ ऑर्गेनाइज करें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए बन करके तैयार है, सारी फैसिलिटीज़ है। यहाँ AC लगाए गए हैं हर तरफ, लाइटिंग बहुत खूबसूरत है, एम्बियंस की बात करें तो वो भी खूबसूरत है। CCTV कैमरे के आप अंडर में रहेंगे और ये एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मैं कहूँगी कि जो इस जहाज के अंदर बनवाया गया। और भी कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसको VIP जोन के अंदर रखा गया है, यानी कि VIP लोगों के लिए भी यहाँ पे खास जो है वो तैयारी की गई है। और आप किस तरह से यहाँ पर आएंगे, क्या बुकिंग का क्राइटेरिया होगा वो भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दें कि सेप्टेम्बर में ये मरम्मत होने के लिए कोलकाता गया था और फिर ये जनवरी में बन करके आया है। जो इन्फॉर्मेशन हम तक आई है वो सितंबर 2022 में ये मरम्मत के लिए गई हुई थी और अब जनवरी में बन करके आ चुकी है। स्टार्ट होगा खरमास के बाद, यानी कि 14 जनवरी के बाद ये शुरू हो जाएगा और यहाँ पे फिर आप पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं इस जहाज़ के अंदर वो आप कर सकते हैं। अब चलेंगे ऊपर और आपको दिखाएंगे ऊपर क्या कुछ फैसिलिटीज़ है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस शिप में जब हम पहुंचेंगे तो क्या कुछ अच्छा हमें देखने को मिलेगा जब हम ओपन एरिया में आएंगे। तो अब हम आ गए हैं सबसे ऊपर, यानी कि ओपन एरिया में जहां से इस जहाज का संचालन होता है, जहां से स्टार्ट होता है। और अब जब हम यहां पहुंच गए हैं तो आपको दिखाएंगे कि देखिए क्या खूबसूरत यहां से गंगा दिख रहा है। एक बार नज़ारा देखिए और दिखाइए कि ऊपर आने के बाद जब आप ओपन एरिया में आएंगे तो कितना खूबसूरत ये NIT घाट और ये गंगा दिखती है। और शायद इसी का मज़ा लेने के लिए और इसी खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पर लोग जो हैं वो खरवास के बाद आ सकते हैं, इस पर पार्टी थ्रो कर सकते हैं, घूम सकते हैं और पटना के NIT घाट की खूबसूरती को भी निहार सकते हैं। तो ये ओपन एरिया था, हम आपको VIP जोन भी दिखाएंगे जहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि VIP जो जोन है वहाँ पर क्या कुछ फैसिलिटी है। जो रेस्टोरेंट हमने आपको दिखाई वहाँ पे 50 लोगों के लिए व्यवस्था की गई, यानी कि 50 लोग उस पर बैठ सकते हैं। अब इधर आइए जहाँ पर
जहाँ से इसका संचालन होता है, यानी जहाँ से ये शुरू होता है। अब और ये वीआईपी रूम है। चलिए तो अब एंटर करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि वीआईपी जोन में क्या क्या है। अब जो वीआईपी गेस्ट यहाँ पहुँचेंगे उनको रहने के लिए भी सुविधा चाहिए, तो रहने के हिसाब से इसको बनाया गया है। सोफे रखे गए हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, कबर्ड बनाए गए हैं, बेड दिया गया है और फैन, एसी, सारी सुविधाएं जो आप एक कह सकते हैं कि एक लोग को एक कमरे में एक होटल में रहने के लिए चाहिए, वो सुविधा इस जहाज के अंदर वीआईपी जोन के लिए के अंडर में डाली गई है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी खूबसूरती से जहाज के अंदर इसको जो है वो बनाया गया है। हालांकि इन्फॉर्मेशन के आधार पे हमने आपको पहले ही बताया था कि ये 2009 से ही जो है वो पटना के नाइटी घाट पर है, लेकिन फिर से एक बार मरम्मत करके इसको बनाया गया है। अब वीआईपी जोन से निकलेंगे क्योंकि ये जहाज ना सिर्फ एक फ्लोर पे है बल्कि दोनों ही फ्लोर पे है, तो आपको दोनों फ्लोर की खूबसूरती हमने दिखाई कि नीचे किस तरीके से रेस्टोरेंट बनाया गया, ऊपर एक ओपन एरिया है जहाँ पर आप आ करके ओपन एरिया में पार्टी कर सकते हैं, और वीआईपी जोन में क्या कुछ है। तो ये सब कुछ हमने आपको दिखाने की कोशिश की और शायद ये पटना का इकलौता ऐसा प्लॉटिंग रेस्टोरेंट होने वाला है जहाँ पर आप खा भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं और खूबसूरती को भी देख सकते हैं। क्योंकि पटना में बेहद मतलब मैं बोलूँगी सिंगल ही है ये, जहाँ पर आप आ करके इतनी सारी चीज़ों का मज़ा ऑल इन वन ले सकते हैं। ओपन एरिया में आकर के हमने आपको लेफ्ट साइड में दिखाया जहाँ पे वीआईपी जोन बना हुआ है ठहरने के लिए, और इस तरफ जहाँ से इस जहाज का संचालन होता है हम उस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ से शिप को चलाया जाएगा। और जब वो बन के आया तो इस जहाज को सजाया गया था, आप देख सकते हैं अभी भी बलून्स वगैरह है। और यहाँ पर आकर के दिखाइए कि यहीं से ये जहाज जो है वो चलेगी, यहीं से इसका संचालन होगा। एक बार इसको दिखाइए कि यहीं पर बैठ करके इस जहाज को चलाया जाएगा और उसके बाद ये पूरे गंगा में चलेगा और इसका उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा किया जाएगा। खरवास के बाद कभी भी इसका उद्घाटन हो सकता है और फिर आप यहाँ पर आकर के बुकिंग्स करा सकते हैं। क्या कुछ क्राइटेरिया होगा ये आपको पर्यटन विभाग की तरफ से बता दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा वेबसाइट पे या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर आपको कहीं ना कहीं से पता चली जाएगा कि क्या कुछ इसकी क्राइटेरिया, बुकिंग क्राइटेरिया होने वाली है। अब चलिए नीचे चलते हैं और आपको नॉर्मल रेस्टोरेंट दिखाने के बाद हम आपको दिखाएंगे वीआईपी जोन का रेस्टोरेंट कि उसमें क्या कुछ खास है। चलिए, डबल डेकर इस जहाज में हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे हैं और जैसे हमने आपको दिखाया कि उस तरफ रेस्टोरेंट बनाया गया था जो कि नॉर्मल लोग जो बुकिंग्स करेंगे उनके लिए होगा, लेकिन यहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वो स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये वीआईपी जोन का रेस्टोरेंट है। अंदर आइए और आपको दिखाते हैं कि जिसको वीआईपी जोन में बुकिंग चाहिए या जिनको प्रिवेसी चाहिए उसके लिए ये रेस्टोरेंट बनाया गया है। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है इसलिए क्योंकि हम आपको बता रहे हैं अभी भी कि इसका उद्घाटन जो है वो खरवास के बाद होगा, यानी कि 14 जनवरी के बाद होगा। उसके बाद आप इसमें और भी इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट देख सकते हैं क्योंकि उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा किया जाएगा। कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगी आफ्टर ये संक्रांति जब हो जाएगी, ये जब खरवास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। लेकिन अब तक ये डबल डेकर जो जहाज जिसकी खूबसूरती हमने आपको अब तक दिखाई, ये पटना में एकमात्र डबल डेकर ऐसा जहाज़ है जहाँ पर हर उस चीज़ की सुविधा है, जहाँ वीआईपी जोन बनाए गए हैं, रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, आप पार्टी यहाँ पर थ्रो कर सकते हैं, किसी भी तरह का बैश, बर्थडे बैश हो या फिर आपके वेडिंग सेरेमनी हो या फिर आपका एंगेजमेंट हो, तो किसी भी तरह की जो सेरेमनी होती है उसके लिए आप यहाँ से बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन आप ये सब कुछ खरवास के बाद कर पाएंगे, यानी कि 14 जनवरी के बाद कर पाएंगे। तो इस डबल डेकर जहाज़ में क्या कुछ सुविधाएं थी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताया। कौन इसका उद्घाटन करेगा ये आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, मुख्यमंत्री खुद आएंगे या डिप्टी सीएम पहुंचेंगे उद्घाटन करने के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन खुशी की बात ये कि 5 साल के बाद, मरम्मती के बाद ये फिर से आकर के गंगा घाट पर लग चुकी है और अब लोग यहाँ पर आकर के ओपन रूफ में या फिर नीचे इन्जॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं खूबसूरत नज़ारे के साथ। क्योंकि इधर राइट साइड में दिखाइए कि एनआईटी घाट जो है
वो यहाँ पर लोग मतलब पटना का एक बोलते हैं शान है, और इसी शान में अगर ये मिल जाए तो बोलते हैं सोने पे सुहागा हो जाएगा। और शायद इसीलिए पटना के लोग जो है वो वापस से खुश हो रहे हैं कि अब हम यहाँ पर आके की बुकिंग्स कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैमरा पर्सन हीरा के साथ मैं निशा, IVTV पटना। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।